नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट वन है, जैसा कि हम लगातार आपके धीरे धीरे पार्ट आते रहेंगे इसके बाद भी, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है लघुतरीय वाले में, वो है आत्मन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, आत्मन से क्या समझते हैं, या इसी को दोस्तों बोलते हैं आत्म, ठीक है। आत्म इंग्लिश में इसको सेल्फ बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई सेल्फ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। आत्मन या आत्म की अवधारणा का अर्थ स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करने की योग्यता और उसे अपनी भाषा में और अपनी शैली में हासिल करने से है, ठीक है। दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि आत्म क्या है या आत्मा आत्मन क्या है, तो यह एक अवधारणा है किसके बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करने की, ठीक है। दोस्तों, स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करने की और क्या है, अपनी शैली में हासिल करने की योग्यता है क्या आपका आत्मन, ठीक है, या आत्म। फिर कह रहा है क्या, भले इसके लिए कोई व्यक्ति दूसरे द्वारा सुझाया गया रास्तों पर प्रयोग कर सकता है, यानी कि अगर हम खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या तो हम यह अपने द्वारा जो विधि अपनाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई दूसरे व्यक्ति जो आपको कुछ बताता है उस विधि पे चल के भी क्या है आप अपने बारे में ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यह अपने आप के बारे में विश्वास का एक संग्रह है, ठीक है। आत्म क्या बोला आगे, कि यह अपने आप के बारे में विश्वास का एक संग्रह है। आमतौर पर आत्म अवधारणा मैं कौन हूँ इस बात जवाब का प्रतीक है, ठीक है। दोस्तों, और क्या कह रहा है, यह जो आत्म है यह क्या है, एक तरह से वो अवधारणा है जिसमें लोग अपने आप को जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ, यह जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी का क्या है, यह जवाब का प्रतीक है आपका आत्म, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में हो गया आया होगा क्या क्या है आत्म, आत्म किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है तनाव क्या है, ठीक है। दोस्तों, तनाव क्या है जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रेस बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात रखिए कि तनाव क्या है, एक आंतरिक अवस्था है, या उसको बोल सकते हैं मानसिक अवस्था है, ठीक है, जो शरीर के दैहिक मांगों यानी कि शरीर के जो मांगे हैं, जैसे कि बीमारी की अवस्थाएं में व्यायाम, अत्यधिक तापक्रम इत्यादि, ठीक है, या वैसे पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिस्थितियाँ जिसे सचमुच में हानिकारक अनियंत्रित योग्य तथा निपटने के मौजूद साधनों को चुनौती देने वालों के रूप में मूल्यांकित किया जाता है, यानी कि क्या है कि हमारे जो दैहिक मांग है उनको जो चुनौती देने वाला काम करता है, ठीक है, या उससे उत्पन्न होता है हमारा क्या तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, सिंपल शब्द में बात करें तो यह मानसिक अवस्था है जिसमें क्या होता है, लोग के क्या है शारीरिक जो मांग है उसके विपरीत कार्य होता है, उसके विपरीत जाके वो क्या कुछ इच्छाएँ जन्म लेती है, कुछ बेचैनी जन्म लेती है अंदर से, जिसको क्या नाम दिया गया है तनाव नाम दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है दुश्चिंता का अर्थ बताएं, ठीक है, दुश्चिंता का क्या अर्थ है, तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः दुश्चिंता जिसे इंग्लिश में एंजाइटी बोलते हैं, शब्द को भय और आशंका की विस्तृत अस्पष्ट और अप्रीतिकर भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, यह क्या है, एक तरह की भावना है, और कैसी भावना है, तो आशंका की विस्तृत, यानी कि जब हम क्या करते हैं हमको आशंका होता है, ठीक है, शक 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 आपके मन में जो उपजता है, ठीक है, तो शक के कारण क्या होता है आपके मन में कुछ बेचैनी उत्पन्न होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में ना है अस्पष्ट होती है, ठीक है, और क्या है अप्रीतिकर भावना, यानी कि जो ऐसी भावना जो क्या है आपको अच्छा प्रतीत न होता हो, ठीक है, इसके रूप में क्या है दुश्चिंता को परिभाषित किया जाता है, यानी कि दुश्चिंता क्या है, एक अप्रीतिकर भावना है, अस्पष्ट भावना है, या आशंका से भरा हुआ भावना है, ठीक है। दुश्चिंतित व्यक्ति में निम्न लक्षणों का सम्मिलित रूप रहता है, यानी कि जो भी व्यक्ति दुश्चिंता से ग्रसित होता है, देखते हैं दोस्तों इसको हम दोस्त सिंपल शब्दों में दोस्तों चिंता भी कर सकते हैं या चिंतित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चिंतित व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आपका हृदय गति का तेज हो जाना, ठीक है, सांस की कमी होना, पसीना आना और निद्रा की कमी आना, ये सब क्या है, जो व्यक्ति दुश्चिंता से ग्रसित होंगे उसके अंदर ये सारे लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है चौथा प्रश्न, मानव व्यवहार पर शोरगुल का प्रभाव बताएं, यानी कि मानव के व्यवहार पर शोरगुल का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों शोरगुल को आपको कोलाहल के रूप में कहते हैं, इससे कन्फ्यूज मत कीजिए, शोरगुल या फिर कोलाहल एक ही बात होता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है शोरगुल या कोलाहल का मानव के व्यवहार पर, चलिए देखते हैं। शोरगुल का अर्थ अवांछित ध्वनि होने के साथ साथ हमारे कानों तथा उत्तर मस्तिष्क द्वारा इसका प्रत्यक्षीकरण किया जाना है। ठीक दोस्तों, शोरगुल हम किसे कहेंगे, तो जो भी ध्वनियाँ होती है जो हमको अप्रिय ध्वनि लगती है, अवांछित यानी कि जो हमको अच्छा ना लगे, वो ध्वनि क्या कहलाता है आपका, शोरगुल कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या करता है मस्तिष्क प्रत्यक्ष करता है यानी अनुभव करता है। ठीक है, शोरगुल बढ़ने से मानव व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक दोस्तों, यानी कि जैसे जैसे अब क्या होगा, कोलाहल बढ़ेगा, आवाज़ें ध्वनियाँ तेज होगी, शोरगुल का रूप ले लेगा, तो क्या होगा मानव इसका इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शोरगुल व्यक्ति के अंतः व्यक्तिगत संबंधों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यानी कि शोरगुल जब बढ़ जाता है, आपके कानों में हमेशा आवाज़ जोर जोर से आता रहता है, उस समय क्या होगा आपके मन में अंदर से कुछ कुंठा जम लेता है। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा जम लेता है, उस गुस्से की वजह से क्या होता है आपके आसपास जो व्यक्ति होंगे, जो आपके परिचित होंगे, घनिष्ठ व्यक्ति होंगे, उसको आप कुछ बोल दीजिएगा, उससे क्या होगा आप दोनों के बीच में मन मुटाव तक हो जाएगा। ठीक है, वही बात बोलता है क्या कि अंतर व्यक्ति संबंधों से निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यानी कि आप उसको जरूर आपके रिश्ते में क्या होगा उस वो आपका जो गुस्सा है वो उसको प्रभावित कर देगा। ठीक है, और ये किसके वजह से होगा, तो आपको शोरगुल के कारण होता है। ठीक है, बंडूरा ने 1973 में पाया कि शोरगुल के कारण आक्रामकता में वृद्धि होती है। ठीक है, वही बात क्या कर रहा है बंडूरा भी बोला क्या कि जब शोरगुल बढ़ता है तो मानव में क्या होता है आक्रामकता बढ़ती है, यानी कि लोगों के अंदर क्या होता है गुस्सा बढ़ता है, और गुस्सा क्या लगता है आपका आक्रामकता का रूप ले लेता है। ठीक है, आप आक्रमण हो जाते हैं, आक्रमणकारी एक तरह से बोल सकते हैं, बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा के अंदर उबलने लगता है शोरगुल सुन के। ठीक है, फिर कहता है शोरगुल के कारण व्यक्ति का सहायता परक व्यवहार प्रभावित होता है, यानी कि शोरगुल की वजह से क्या हो सकता है आपके अंदर जो हेल्पफुल नेचर है, ठीक है, वो भी क्या होगा आपके अंदर उसको प्रभावित करता है शोरगुल। ठीक है, यानी कि जो ऊंचा स्वर है वो क्या करेगा आपके हेल्पफुल नेचर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है प्रभाव है शोरगुल के मानव के व्यवहार पे। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है आज्ञाकारिता क्या है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है आज्ञाकारिता क्या है, तो चलिए देखते हैं। आज्ञाकारिता का अर्थ है कि आज्ञा मानना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल शब्द में क्या बोले तो आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है आज्ञा मानना। ठीक है, यह प्राधिकरण के व्यक्तियों के अनुरोधों और आदेशों को स्वीकार करने और सहमत होने की प्रवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, एक बार और दूसरी बात क्या है कि एक प्रवृत्ति है कैसी, दूसरे के आदेशों या अनुरोधों को स्वीकार करने की, आदेश भी हो सकता है या किसी के अनुरोध को भी हो सकता है, इसको आप स्वीकार करना भी क्या कहलाता है आपका आज्ञाकारिता कहला सकता है, या यूं कहें कि यह एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है। दूसरे शब्द में बोले तो यह क्या है एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है, जहां लोग किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध और आदेश को स्वीकार करने, सहमत होने और सम्मान करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि यह कैसी प्रक्रिया है बोल सकते हैं सामाजिक प्रभाव है, जिसके अंदर क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध को, ठीक है, उसके आदेश को स्वीकार करने की या उसे सम्मान देने की कोशिश करता है, यह भी क्या कहलाता है आपका आज्ञाकारिता कहलाता है। ठीक है, यह अनुरोध या आदेश व्यक्ति उनके व्यवहार में बदलाव लाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हम आदेश या स्वीकार करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है हमारे व्यवहार में क्या करता है बदलाव लाता है। ठीक है, तो ये था आज्ञाकारिता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों पूर्वाग्रह को हम पूर्व धारणा भी बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है पूर्वाग्रह। अंग्रेजी भाषा के प्रिजुडिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रिजुडिस बोलते हैं पूर्वाग्रह को, इसी का हिंदी अनुवाद क्या है आपका पूर्वाग्रह है, जो लैटिन भाषा के प्रिजुडिसियम से बना है, यानी कि यह जो प्रिजुडिस है, ठीक है, यह किससे बना है प्रिजुडिसियम से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। प्री का अर्थ है पहले और जुडिसियम का अर्थ है निर्णय, यानी कि जो प्री है उसका अर्थ क्या होता है पहले और जुडिसियम का अर्थ होता है निर्णय। इस दृष्टिकोण से पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ हुआ पूर्व निर्णय, यानी कि अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाता है पूर्व निर्णय, यानी कि पहले से निर्णय तय करना। ठीक है, इस प्रकार पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विपक्ष में पूरी तरह से जानकारी किए बिना ही किसी न किसी प्रकार का, ठीक है, विचार अथवा धारण को बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है सिंपल शब्द बात करें
तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, ठीक है, बिना जाने उसके पूरी जानकारी लिए हुए उसके बारे में क्या है कुछ निर्णय लेते हैं या उसके प्रति कुछ नज़रिया अपना लेते हैं, ठीक है, या कुछ धारणा बना लेते हैं, उसी को नाम दिया गया है क्या, पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा। ठीक है, समझ गया क्या कहना चाह रहा है, क्या है पूर्वाग्रह, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिना सोचे समझे या बिना पूरी जानकारी के कुछ निर्णय पे पहुंच जाना या कुछ निर्णय बना लेना या उसके प्रति गलत निर्णय बना लेना क्या कहलाता है आपका, पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे पुरानी चली आ रही है क्या, पूर्व धारणा चली आ रही है, रूढ़िवादिता चली आ रही है, ठीक है, कि क्या होती है, लड़कियां कमज़ोर होती है, ठीक है, लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां क्या कोमल होती है, लड़के क्या होता है थोड़ा सा रूढ़ होते हैं, इस तरह एक चीज़ क्या है, एक तरह पूर्वाग्रह जो क्या है बिना सोचे समझे ही बना लिया गया है बिना, ठीक है, इसी को नाम दिया गया है क्या, पूर्वाग्रह। ठीक है, यानी बिना किसी संपूर्ण जानकारी के किसी व्यक्ति के बारे में क्या हम अगर हम उसके बारे में कोई धारणा तय कर लेते हैं तो आपका कहलाता है पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आते रहेंगे, ठीक है, डेली आपको कुछ ना 6-6 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा मैं सब बोलता हूँ प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।